हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज है रक्षाबंधन और मेरे साथ है मेरा भाई काकू। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और अभी हम लोग नहा के तैयार हो गए हैं और अभी जो हमारी बहन है मुनमुन काव्या, ये लोग अभी कोई तैयार नहीं हुए हैं। और ये काकू कह रहा है कि डॉली को भी दिखाओ, तो अभी दिखाते हैं। डॉली आ जा ले। तो अभी डॉली आ रही है, अभी डॉली दिखाते हैं आप लोगों को। आ जा। तो ये है डॉली, ये हमारी पेट है। और मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे और घर पे काम भी चल रहा था, इस कारण वीडियो नहीं बनाई है। एक महीने से ऊपर हो गया लगभग। तो आज मौका मिला तो आज हम वीडियो बना रहे हैं। और कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बहुत सारी पहनेंगे ना, चल तो अभी हम गौचर जा रहे हैं और अभी हम अपर मार्केट में पहुंचे हैं। और आज जा रहे हैं पापा, मैं, मम्मी, भाई और चाचू, चाची, मुनमुन, काव्या, काकू, हम सब जा रहे हैं। और अभी हम अपर मार्केट में, और गाड़ी गंदी हो रही थी तो गाड़ी पे पानी डाल रहे हैं। और हमने गाड़ी को भी एक राखी पहना दी है, तो दिखाते हैं आपको। तो ये देखो, हमने ये पहनाई है और ये पिछले साल की है। तो यहाँ पे हम गाड़ी के शीशे पे थोड़ा पानी डाल रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन से गाड़ी गंदी हुई थी क्योंकि बारिश भी हो रही है। और अब हम अपर मार्केट पहुँच चुके हैं और इसके बाद हमें फटाफट मार्केट जाना है। मार्केट से मिठाई वगैरह लेनी है और फिर उसके बाद जाएंगे हम अपने बुआ के घर। तो अभी हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं और आज मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि आज सारे लोकल लोग रहते हैं मार्केट में और कल बहुत ज़्यादा इधर उधर के लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, मिठाई वगैरह लेने के लिए। तो इसलिए आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है मार्केट में, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो अभी फटाफट से चलते हैं मार्केट में और सामान लेते हैं। तो अभी हमने मिठाई वगैरह सब ले ली है और अभी हम पहुंच चुके हैं नए पुराने वाले पुल पे। तो पहले ये नया वाला पुल था और अब ये पुराना वाला हो चुका है क्योंकि अभी नया बना है। तो अब हम जा रहे हैं फटाफट गौचर के लिए और उम्मीद तो ये है कि रोड सही होगी, बस रोड ख़राब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें फिर जाम में फंसना पड़ेगा क्योंकि आजकल बरसात के कारण बहुत ज़्यादा टूट फूट हो रही है इसलिए। तो अभी हमें ऊपर एक वाटरफॉल दिखा है, तो वो है वहाँ ऊपर से आ रहा है ये वाटरफॉल। और सामने एक और वाटरफॉल देखो, ये कितना बढ़िया लग रहा है। और देखो वाओ, तो बारिश के कारण दिखाई दे रहा है वरना नहीं दिखाई देता ये इतना ज़्यादा, पहले बहुत दिखाई देता था। तो अभी हमारे आगे से चाचू और चाची जा रहे हैं ये स्कूटी पे और वो भी हमारे साथ गौचर आ रहे हैं। तो अभी हम जाम में फंस चुके हैं, आगे शायद रोड टूटी हुई है तो अभी उन्होंने एक साइड की गाड़ियाँ आने दी हैं। तो अब जब ये आएंगे तब हम जाएंगे।
तो कम से कम हमको 20-25 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े खड़े। तो अब वेट करते हैं कब तक जाम खुलता है। तो उधर से गाड़ियाँ तो उन्होंने भेज दी है, अब यहाँ से भेजेंगे तब। और अभी हम हैं चटवा पीपल से थोड़ा पीछे, ये देखो कितना लंबा जाम लगा हुआ है। धीरे धीरे करके अब गाड़ियाँ आगे बढ़ रही है, तो हम भी काफ़ी आगे आ गए। लेकिन देखो ये जो लोग होते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और आधा से ज़्यादा जाम इन्हीं के कारण लगता है। तो ये लोग पता नहीं क्यों इनको इतनी जल्दी हुई रहती है, इतनी जल्दी करेंगे तो जल्दी निकल जाएंगे। तो यहाँ पे की पूरी रोड थान चुकी थी और अभी उन्होंने यहाँ ऊपर साइड से कटिंग करके बनाई। देखो छोटी गाड़ियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने ऊपर से मिट्टी निकाल के भरी हुई है। यहाँ पे बड़ा गड्ढा बन गया था क्योंकि आधे से ज़्यादा रोड नीचे बह गई नदी में। मतलब नदी तो बहुत दूर है पर लैंडस्लाइड होने लग गया था, तो कीचड़ कीचड़ हो रहा था। तो बरसात में बहुत ख़राब हालत हो रही थी इस रोड की और गाड़ियों की लंबी लाइन कितने दूर तक लगी हुई है आप देख ही सकते होंगे। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, दोनों साइड है ये लाइन दोनों साइड। फाइनली अभी हम गौचर पहुंच गए हैं और 1.5 घंटे जाम में फंसे होने के बाद हम पहुंच गए हैं। और ये देखो तो पीछे से मम्मी पापा भी आ रहे हैं और चाचू चाची आगे निकल गए हैं। और ये देखो तो अब फटाफट चलते हैं घर पे और फटाफट राखी पहनते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, भूख भी काफ़ी लग गई है। तो अब डायरेक्ट आपको घर पे मिलते हैं। ये भैया का अंडा किसी को बेचारा गया है। चल आगे दे, ये देखो लो दी को दो केवल दो गए। देखो उसको खुद को 100 रुपए देने ढंग से रहना। आज एक पैसे का, अरे वीडियो बन गया फोटो एकदम खा गया करो वाली जरा लो दो से देना। इस भाई को मारो वहां इधर देखो किसको किसको बड़े ले ये कब आए भाई साहब ने दिए हो क्या 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 वो गए तो यहाँ देख के चलेंगे उसको रास्ते में गड़ गया। इधर देखो इधर देखो अपनी बहनों को एक्लेयर्स वाली टॉफी अरे वहाँ सुजाला आने तुझे इधर देखो भाई तुमको बोल रहा मैं काकू इधर देख ले उसको काकू दीदी पे पिटाई तो लगा काकू को निपटाना हो रखा है। इधर देखो इधर दोनों इधर देखो काकू हंस लो जरा कोई
वो उसके हाथ सिक्के पे जा रहे थे मेरे तो भाई पैरों में दर्द हो रहा है कल पैदल चला ना दर्द क्या हुआ वहाँ कीचड़ में देने देने माना ना वहाँ सुख तो दिखे इधर अच्छा कम खुद जो उधर एक मकान बच रखे भाई बच क्या रखे वो तुम भी दिन चौड़े हो गए थे दरार पड़ गए उन्होंने छोड़े पर वो शुक्र वाओ ने करने आने सब डब हो गए चट्टान है भी इतनी बड़ी बड़ी आ रखी थी ना हो जाने भाई काजू कतली मुंह अच्छा करो ले ले आँखों में वो चब लगा रखा ना लीटर उससे अजीब ही लग रही क्यों क्या वीरा रे ये सामने हवाई पट्टी है और ये देखो ये पूरा गौचर है आह क्या नजारा है ना ये तो अब हम घर को जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा रहा आज रक्षाबंधन और बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत मिठाई भी खाई बोलो कुछ हाय तो अब चलते हैं घर के लिए और मौसम भी ख़राब हो रहा है आगे रोड भी ख़राब है तो कहीं हम जाम में ना फंस जाएं इसलिए जल्दी जा रहे हैं हम